बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे जर्सी चिकन कढ़ाई। उसके लिए जो हमें चीज़ें चाहिए, सबसे पहले चिकन चाहिए तकरीबन 1 किलो। 1 किलो चिकन के पीछे आपको तकरीबन आधा किलो टमाटर चाहिए, कुछ हरी मिर्चें, थोड़ा सा धनिया, आपके पास 1 टेबल स्पून जीरा, 1 टेबल स्पून काली मिर्च और नमक हसबे जायका। इसके साथ आप अदरक और लहसुन का 1-1 टेबल स्पून का पेस्ट लेके उसे हाफ कप पानी में, गर्म पानी में मिक्स कर लें। इसके साथ हमें चाहिए 2 टेबल स्पून सिरका, 1 टेबल स्पून सोया सॉस। मैरिनेशन के लिए 2 टेबल स्पून आपने सिरका इसमें डाल के 1 टेबल स्पून आपने सोया सॉस डालना है और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। इसके साथ आपके पास जो नमक था उस नमक को हम इसमें शामिल कर देते हैं। इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करके आपने इसे तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देना है। अब हम एक कढ़ाई लेंगे, उसमें 1.5 कप ऑयल डाल के गर्म कर लेंगे। उसके बाद आपने ये ज़ीरा इस गर्म ऑयल में शामिल कर देना है और इसे 30 सेकंड के लिए सॉटे कर देना है। अब हम इसमें चिकन ऐड कर देंगे और चिकन को उस वक्त तक पकाना है जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। चिकन मीडियम आंच पे पक रहा है। हम क्या करेंगे, साथ साथ टमाटरों के ऊपर से उनका छिलका उतार देंगे। टमाटर के ऊपर से छिलका उतारने का सबसे आसान तरीका ये है कि आप एक चूल्हे पे इसको थोड़ा सा हीट अप करें। जब इसका छिलका पक जाएगा तो ये खुद ब खुद इसके ऊपर से रिमूव हो जाएगा। इसे हम थोड़ी देर पका लेते हैं। अभी देखें, इसकी स्किन खुद ब खुद उतर रही है। इस तरह आप लोगों ने क्या करना है, सारे टमाटरों की स्किन को उतार देना है ताकि कढ़ाई में आपको पकाने में आसानी हो। चिकन का कलर चेंज हो चुका है और साथ ही हमारे टमाटर भी पीला हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, जो इस कढ़ाई में एक्स्ट्रा ऑयल है वो हम निकाल लेंगे। 1.5 कप हम लोगों ने डाला था, जिसमें से तकरीबन 1-1.25 कप हम लोग वापस ऑयल को रिमूव कर देंगे। हमने अपना जो फालतू ऑयल था वो सारा निकाल दिया। अब हम इसमें डालेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट जो हम लोगों ने पानी में डाल के बनाया हुआ था। चिकन को अदरक और लहसुन के पेस्ट के वाले पानी में पकाने के बाद, 2 मिनट पकाने के बाद, अब हम इसमें क्या करेंगे, टमाटर ऐड कर देंगे। ठीक है, टमाटर ऐड करने के बाद इन्हें चम्मच के साथ थोड़ा सा तोड़ दें ताकि ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अब ये देखें, टमाटर अच्छी तरह से गल चुके हैं। अब हम इसमें काली मिर्च ऐड कर देंगे। काली मिर्च ऐड करने के बाद हम इसे ऑयल ऊपर आने तक पकाएंगे। जब कढ़ाई तैयार हो चुकी है, अब हम क्या करेंगे, इसको डिश आउट कर देंगे। डिश आउट करने के बाद हमने धनिया मिर्चें और अदरक के साथ इसकी गार्निशिंग कर दी और हमारी मज़ेदार चर्सी कढ़ाई तैयार है। आप भी इसे ट्राई करें और फिर कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताएं कि आपको कैसी लगी। शुक्रिया।